हमारे भाई तीर्थनाथ जी जो झारखंड से ही हैं और अपना पूरा जीवन सेवा के लिए अर्पित किया है, उनको बहुत बहुत एक बार सबकी ओर से शुभकामनाएं हैं, इनको आशीर्वाद। तीर्थनाथ जी हमारे सेवाव्रती भाई हैं। ओम परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज के इस सत्र का प्रारंभ करने से पहले दीप प्रज्वलन के लिए हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय एलआर सैनी जी, अपने अचार कुलम के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने पूरे अचार कुलम को देख रहे हैं। दीप प्रज्वलन करते हुए एक बार उनका करतल ध्वनि से हम स्वागत करें। और डॉक्टर पारसनाथ मस्तो जी और आदरणीय राम कुमार प्रसाद सिंह जी जो अपने डीओ हैं। श्री सुधीर तिवारी जी, आदरणीय एलआर सैनी जी पूज्य स्वामी जी से आशीर्वाद लेते हुए। श्री रुद्र नारायण महतो जी, आशीर्वाद लेते हुए। बहुत आशीर्वाद। पूज्य स्वामी जी को पुष्प अर्पित करते हुए पीके प्रधान जी जो अपने पंजाब नेशनल बैंक से हैं, और पूज्य स्वामी जी से आशीर्वाद लेते हुए एक बार उनका जोरदार करतल ध्वनि से बहुत बड़ा अंतर। और उनके साथ पूरे टीम है, उनके हाथ में दे दो, हाथ में दे दो। ओम ओम प्रणाम। आशीर्वाद लेते हुए हम सब झारखंड वासियों के लिए आज विशेषकर छोटे बच्चों और विद्यार्थियों के लिए आज अत्यंत सौभाग्य की बात है कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज आज स्वयं हमारे बीच उपस्थित होकर हम सभी बच्चों को योग के बारे में स्वस्थ रहने के लिए को लेकर और जीवन में बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारा मार्गदर्शन करने वाले हैं, जिसके लिए हम समस्त झारखंड वासी परम पूज्य स्वामी जी महाराज के प्रति हृदय से श्रद्धा और आभार व्यक्त करते हैं। मैं बहुत विनम्रता पूर्वक आज यहां उपस्थित सभी बच्चों और विद्यार्थियों से निवेदन करना चाहता हूं, उनसे कहना चाहता हूं कि यदि वे अपने जीवन में एक बड़ा और नेक इंसान बनना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें योग को अपने जीवन में अपनाना होगा। योग ही वो सत्मार्ग है जिस पर चलकर हम अपने भीतर छिपी हुई अपार संभावनाओं को जागृत कर सकते हैं। जीवन में जो बनना चाहते हैं बन सकते हैं और एक पूर्ण स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। भाई तीर्थनाथ जी को खूब खूब आशीर्वाद है। सरकारी स्कूलों से लेकर के गैर सरकारी स्कूलों के, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के 5 सारे स्कूलों के बच्चे और उनके साथ उनकी सब टीचर्स और प्रिंसिपल्स भी आए हैं। मैं एक बार सभी सरकारी स्कूलों के और प्राइवेट स्कूलों के सभी टीचर्स, प्रिंसिपल्स और शिक्षा विभाग का और हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री बहन नीरा यादव जी का सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता। आज यह ऐतिहासिक शिविर है, बहुत कुछ आपको सीखना है और मुझे खुशी है कि बच्चों के साथ साथ बहुत से अभिभावक भी, जिन बच्चों को स्कूलों से सीधा या नहीं भेजा गया उन भी बच्चों को लेकर के आए हैं। आइए हम सब मिलकर के
इस योग की साधना को शुरू करते हैं और लंबे गहरे श्वास भरते हुए पावन ओंकार का उच्चारण करेंगे। योग साधना शुरू करने से पहले हमको तीन बार ओम का और तीन बार गायत्री मंत्र का जप करना है। ओम का जप करने का तरीका होता है, ऐसे श्वास भर के ओ ऐसे बोलना है, ओ को बोलना है 15 सेकंड में, मैं को बोलना 5 सेकंड में, ऐसा लंबा सांस भर के ये गायत्री मंत्र उसके बाद बोलेंगे। उसका भी जो प्रोनाउंसिएशन का तरीका है उसी तरह से बोलेंगे। तो उच्चारण का तरीका ओमकार का और गायत्री मंत्र का, जैसे हम बोलेंगे ऐसे ही आप साथ साथ बोलते जाएंगे। आइए फिर से सांस भरेंगे। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जैसे हमको ओम का और गायत्री का जप करना है, ओम भूर्भुवस्वः मंत्र का जप करने से हमारे भीतर एक दिव्य ऊर्जा डिवाइन एनर्जी पैदा होती है, उससे हमारे ब्रेन सेल्स एक्टिवेट होते हैं, हमारी बुद्धि बढ़ती है, ब्रेन हमारा मेमोरी हमारी शार्प होती है, ग्रैस्पिंग पावर हमारी स्ट्रांग होती है और आईक्यू लेवल हमारा बढ़ता है। तो कम से कम कितनी बार गायत्री का जप करना है? तीन बार। ओम का जप कितनी बार करना है? और ओम का जप करते हुए जैसे प्रोनाउंसिएशन करने के लिए आपको बोला था ना ओम, ऐसे फिर गायत्री मंत्र कैसे बोलना है? ओम भूर, फिर आगे बोलो तत् सवितुर, नहीं तत् सवितुर, तत् सवितुर कुछ बच्चे बोलते हैं, कैसे बोलना है? तत् सवितुर, फिर आगे वरेण्यम, नहीं वरेण्यम, आगे बोलो भर्गो, धीमहि नहीं, कुछ तो ठीक पढ़ रहे हैं, कुछ धीमहि नहीं, धीमहि। ओम भूर तत्सवितुर, तत्सवितुर नहीं, तत्सवितुर वरेण्यम, वरेण्यम नहीं, वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो, धियो यो नः प्रचोदयात्। नः विसर्ग होता है इसके बाद, है ना, जिसकी दो डंडियां लगी होती है उसको क्या बोलते हैं? विसर्ग। खैर, तो ये ओम और गायत्री का मंत्र का जप करने से हमारी बुद्धि बढ़ती है। तो जिनको बुद्धि बढ़ानी हो, अच्छा देखो जीवन में सफल कौन है, जीवन में आगे कौन बढ़ता है? जिसकी बॉडी हेल्दी हो, ब्रेन शार्प हो और कंटिन्यूअस हार्ड वर्क करता हो, वही जीवन में सफल होता है। तो आपको अब
ये जप करने के बाद अब योग अभ्यास में खास तरीके बताएंगे। सबसे पहले आपको प्राणायाम करवाएंगे। सबसे पहले क्या करना है? प्राणायाम सब बच्चों को करने हैं। प्राणायाम करने से हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा पूरा का पूरा स्टमक, पूरा पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्रेन, पूरा नर्वस सिस्टम ये हेल्दी रहेगा। तो सबसे पहले हमको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, ठीक है? कैसे करना है देखो, श्वास भरो, छोड़ो, भरो, लंबा लो, लंबा छोड़ो, यह भस्त्रिका प्राणायाम। क्या नाम है इसका बोलो? सब भरो, लंबा भरो, लंबा छोड़ो, अब सुनो। नॉर्मल ब्रीदिंग में हम 500 ml ऑक्सीजन लेते हैं, डीप ब्रीदिंग में हमारा 5 से 10 हजार ml ऑक्सीजन अंदर जाता है। ये जो हम सांस लेते हैं ये कहां जाता है? फेफड़े में। फेफड़े से कहां जाता है? फेफड़े से जो हमारे रेड ब्लड सेल होते हैं ना, ब्लड के 3 कंपोनेंट होते हैं, एक को बोलते हैं प्लेटलेट, क्या बोलते हैं बच्चों? दूसरा है WBC, दूसरा क्या है? और तीसरा है RBC, क्या बोलते हैं? तो ये RBC ना इस ऑक्सीजन को ले लेते हैं फेफड़े से, फिर वो हार्ट में ले जाते हैं, हार्ट से आर्टरीज में, आर्टरी से आर्ट्रियोल में, आर्ट्रियोल से कैपरीज में, और फिर पूरी बॉडी में फैल जाता है। तो ऑक्सीजन सबसे पहले कहां गया? फेफड़े में। फेफड़े से कहां गया? हार्ट में। हार्ट से कहां गया? पूरी बॉडी में। और ये ब्लड सेल को एब्जॉर्ब कौन सी कोशिकाएं करती है? RBC। ये RBC 120 दिन में नहीं बन जाती है, WBC ये 24 घंटे में नहीं बन जाती है, और प्लेटलेट्स एक सप्ताह में। ये प्राणायाम करने वाले का पूरा ब्लड एकदम हेल्दी होता है, ब्लड और बॉडी, इसको हेल्दी बनाना है तो 2 से 5 मिनट ये भस्त्रिका करना है, ठीक है? एक बार करके देखो, देखो अब इसमें सिर मत हिलाना, कुछ मुंडी हिला रहे हैं, फिर कुछ होठ गड़बड़ कर देते हैं, ऐसे होठों को ऊपर नीचे मत करना, बच्चों के लिए, जो बच्चे कमजोर हों धीरे धीरे कर लेना चाहिए। अब किसी को ना स्लो करने में मजा नहीं आता है, बोले बाबा स्लो स्लो अच्छा नहीं था, तेज कर लो। तेज कैसे करना देखो, करो 1 मिनट में पसीना आ जाएगा। देखो कुछ कंधे हिला रहे हैं, कंधे नहीं हिलाना, यूं नहीं करना, ऐसे नहीं करना, कैसे करना? इसका क्या नाम बताया था? अभी बोलिए, भस्त्रिका। क्या नाम है? जोर से बोलो। जो भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे उनको कभी श्वास जमा कफ एलर्जी की बीमारी, उनके शरीर में कोई कमजोरी, उनको कैंसर की बीमारी भी, जिसकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल अच्छा होता उसको कैंसर की बीमारी, ये रिसर्च करके पता लगा, कैंसर सेल्स का नॉट थ्राइव इन एन ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट। ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल अमेरिका में, वहां पर ये पूरा साइंटिफिक रिसर्च किया गया, और अब तो देश में भी हमने भी बहुत रिसर्च किया, जो प्राणायाम करता उसको कैंसर की बीमारी, और नहीं तो सर्दी जुकाम तो हो ही जाता है ना, सर्दी आती है तो किसी किसी को तो ना दोनों नाकों से गंगा यमुना निकलती रहती है, फिर वो अंदर से निकलता रहता है, तो कुछ तो हाथ से ऐसे पूछते रहते हैं, तो उनके
हाथ में भी गंदगी लग जाती है, फिर किसी किसी के नीचे निकलता रहता है, उसको अंदर खींचते रहते हैं तो अंदर पूरा नमकीन मसाला जाता रहता है। तो जो प्राणायाम करेंगे उनको सर्दी की बीमारी, उनको कफ एलर्जी भी, कितना अच्छी बात है। और कितनी देर करना है? कम से कम 2 मिनट। और हाँ, सर्दी भी नहीं लगेगी, गर्मी भी नहीं लगेगी। आपने मुझे कभी गर्म कपड़े पहने भी देखा? मैं ऐसे ही रहता हूं हमेशा। पूरे उत्तर भारत में, मैंने जहां हरिद्वार से लेकर के, दिल्ली से लेकर के, और हिमालय में जहां बर्फ पड़ती है वहां पर भी मैं स्वेटर, क्योंकि मैं प्राणायाम करता हूं। जो प्राणायाम करता उसको सर्दी, उसको गर्मी भी, ना कोई बुराई लगती है, ना कोई बीमारी लगती है, ना सर्दी लगती है, ना गर्मी लगती है। तो इतना बढ़िया है ना। अच्छा, सबको फेफड़ा कैसा चाहिए, सबको बॉडी कैसी चाहिए? उभरा हुआ सीना, सिकुड़ा हुआ पेट, कैसी भी कमर, और मसल्स भी बढ़िया चाहिए सबको। आपके भी ऐसे ही है ना, देखो अपने अपने। बोले बाबा जी अभी तो पूरे नहीं है, थोड़े थोड़े है। तो सबको अच्छे मसल चाहिए ना, बॉडी बनानी है ना सबको, तो बॉडी बनेगी प्राणायाम करने से। अच्छा सुनो, अब आदमी का ये श्वास निकल जाए तो फिर आदमी को क्या करते? फूंक देते। आदमी के दिमाग में बहुत पावर है, हाथों में पैरों में बहुत पावर है, इसमें पेट में, लीवर में, किडनी में, हार्ट में, सब में बहुत पावर है। लेकिन सारी पावर किससे है? प्राण से। सारी पावर किससे? बोलो। प्राण निकल जाता है तो सारी पावर। इसलिए प्राणायाम करना, क्योंकि पूरी पावर का बेस, पूरी पावर का सोर्स, व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर? प्राण। प्राण ये पावर का सोर्स है। ब्रेथ थोड़ी देर करके देखो। अभी एक मिनट से ज्यादा तो कोई कर नहीं पाएंगे। अभी मेरे साथ आप 15 सेकंड करेंगे। चलो स्टार्ट। पता लगा, पसीना आ गया, पसीना आ जाता है ना। तो जो 1 मिनट भी कर लेंगे उनमें कैसे आ जाएगी? फुल पावर। जो 1 मिनट भी कर लेंगे तो क्या आ जाएगी? फुल। तो आपको पावरफुल बनना है ना, तो रोज 1 से 2 मिनट ये करना। फिर सबका, सबको कैसा सीना चाहिए? उभरा हुआ सीना। किसी किसी का तो ना ऐसा ऐसा सीना होता है, फोटो खींचो तो सीधा एक्सरे आता है। हाँ, सफा चट मामला। फिर किसी किसी की छाती अंदर धसी हुई होती है, वो चलता है ना तो ऐसा लगता है जैसे अभी फ्लाइट उड़ान भरने वाली है। फिर कुछ इतने मोटे मोटे होते हैं, गोल मटोल, पूरे फुटबॉल, पता ही नहीं लगता कहां से शुरू हुए कहां खत्म हो गए। ऐसा भी नहीं होना, ना मोटा होना है ना पतला होना है, एकदम हेल्दी होना है। तो सीना उभरा हुआ, बीच में थोड़ा कर्व होना चाहिए ऐसे, फिर ऐसे उभरा हुआ होना चाहिए, फिर पेट ऐसे कसा हुआ होना चाहिए। देखो कितना पीछे से ऐसे अंगूठा रखो ना तो हाथ ऐसे आ जाना चाहिए। देखो ये इतना ही है ना आपका भी, किसी किसी का मोटा हो गया। तो ये तो पहले तो भस्त्रिका करना, दूसरा देखो ये सांस बाहर छोड़ो, सांस बाहर छोड़ो, इसका नाम है, बोलो, कुछ बच्चों को तो पता है कपाल भाति, सब याद कर लेंगे। क्या नाम है इसका बोलिए? ये कपाल भाति बहुत जोर का प्राणायाम है। कंधे नहीं लाना, खाली मध्य प्रदेश हिलेगा। अब देखो ये छोटे छोटे बच्चे, अभी देखो मेरे सामने बहुत छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, मुझे लगता है ऐसे तो बहुत छोटे बच्चे हैं लेकिन सबसे छोटे बच्चे मेरे सामने वाले हैं। ये कौन से स्कूल से है?
जिस भी स्कूल से हैं अच्छे बच्चे हैं, ये सबसे छोटे बच्चे हैं। अब ये कितने हैं? अभी आज अभी मेरे पास में लिस्ट आई है, हमारे पास में 64 स्कूलों के बच्चे हैं। एक बार सब बच्चों का मैं अभिनंदन करता हूं, 64 स्कूलों के बच्चे। और इनके जो संचालक हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि इनको यहां तक लेकर के आए। और एक बात कहता हूं, आज हम आपको ऐसा योग सिखाएंगे और फिर आप इसको रोज अपनाएंगे तो हमारे रांची के बच्चे देश ही नहीं दुनिया के सबसे श्रेष्ठ बच्चे बनेंगे जो योग करेंगे। हेल्दी बॉडी, शार्प ब्रेन एंड कंटिन्यूअस हार्ड वर्क करेंगे तो आप भी सबसे आगे बढ़ेंगे। हां देखो, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी देखो मैंने कह रहा था, फिर ये बाद में बड़े हो जाते हैं। तो हम बड़े होते हैं तो क्या बड़ी चीज हो, तो हम क्या, हमारी हाइट कैसे बढ़ती है बोलो? हड्डी बढ़ गई तो क्या बढ़ जाती है? हाइट। पैर की हड्डी बढ़ी, यहां से यहां की, यहां से यहां तक की हड्डी बढ़ने से बढ़ती है हमारी हाइट। तो ये हड्डी किससे बढ़ती है? हड्डी को बढ़ने के लिए क्या चाहिए? कैल्शियम। हड्डी को बढ़ने के लिए क्या चाहिए? कैल्शियम। और ये जो मसल है ना, ये जो आप देखते हैं ना, ये मसल टोले शोले आपके बनाएंगे बढ़िया। तो ये मसल किससे बनते हैं? प्रोटीन से। मसल किससे बनते हैं? और हड्डियां किससे बनती हैं? कैल्शियम से। और आपको कैल्शियम पूरा मिले और हड्डियों के लिए कैल्शियम और मसल्स के लिए प्रोटीन पूरा मिले तो आप लंबे भी होंगे और मजबूत, मसल्स भी आपके अच्छे होंगे, मजबूत भी होंगे। ये कैल्शियम और प्रोटीन किससे मिलता है? सबसे रिच सोर्स कैल्शियम का और प्रोटीन का क्या है? दूध। इसलिए माताएं ना कहती है बेटा दूध पी ले तेरी हाइट बढ़ जाएगी, क्योंकि हाइट बढ़ाने के लिए दूध पियो और हाइट घटाने के लिए कोका कोला पेप्सी थम्सअप पियो। क्यों? क्योंकि कोका कोला में कैल्शियम नहीं होता, थम्सअप में कोई कोका में और इसमें पेप्सी में किसी भी कोल्ड ड्रिंक में कैल्शियम और प्रोटीन, बल्कि आपकी बॉडी में जो आप खाना खाते हो, दाल साग सब्जियां, दालों में भी प्रोटीन बहुत होता है, दाल साग सब्जियां दूध दही छाछ पीते हो तो उसमें जो कैल्शियम होता है उसको भी कोका कोला पेप्सी थम्सअप बाहर निकाल देता है। तो आपका कैल्शियम बाहर निकाल दिया, आपके प्रोटीन को भी डाइजेस्ट नहीं होने दिया, उसको भी लैट्रिन से बाहर निकाल दिया, कुछ को पेशाब से बाहर निकाल दिया, ऊपर से खाया नीचे से निकाल दिया, इनपुट आउटपुट बराबर बीच में कुछ रुका ही नहीं, तो हाइट कैसे बढ़ेगी, बॉडी कैसे बनेगी? हां, और ऐड कैसे देंगे? कुछ तूफानी करते हैं। और तूफानी करने में वो तूफान कहां से निकालते हैं? फिर थम्सअप से तूफान निकालते हैं। थम्सअप में तूफान नहीं, तुम्हारे भीतर ऐसा तूफान है, तुम अपनी शक्ति को जगाओ तो पूरी दुनिया में तूफान मचा सकते हो, परिवर्तन ला सकते हो। इतना शौर्य पराक्रम, इतनी शक्ति ताकत परमात्मा ने हमको दी है। तो थम्सअप में तूफान नहीं, तूफान किसके अंदर है? हमारे अंदर। सारी शक्तियां सारा ज्ञान किसके अंदर है? हमारे। तो देखो ये करो, जो खाना जाएगा ना वो कहां जाता है? पेट में। और पेट से फिर डाइजेस्ट होकर के पूरी बॉडी को लगता है तो हमारी बॉडी अच्छी बनेगी। जो कपाल भाती करेंगे उनकी हाइट लंबी होगी, उनके मसल्स मजबूत होंगे और उनका शरीर सुंदर होगा। हाँ, सबको ब्यूटीफुल बनना है ना, सब ब्यूटीफुल बनेंगे, स्मार्ट बनेंगे, हेल्दी बनेंगे, एकदम फिट बनेंगे। सीधे बैठ के करो ना, श्वास बाहर छोड़ो, कंधे नहीं लाओ, देखो ऐसे कंधे नहीं लाना, यूं नहीं, ऐसे कुछ ऐसे होठ हिलाते हैं, फिर ये होठ नहीं हिलाना, कुछ मुंडी हिलाते रहते, कैसे? करो, सब बच्चे करो, छोटे वाले भी करो, ए बाबू, छोटे बाबू करो, मैं चेक कर रहा हूं कौन कौन ठीक कर रहा है, कुछ तो बहुत अच्छा कर रहे हैं।
अब कुछ ऐसे उचक उचक्के करते, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना। तो ये क्या नाम है इसका, बोलो जोर से बोलो। जो कपाल भाति करेंगे मैंने, वो उनकी हाइट कैसी होगी, उनकी बॉडी कैसी होगी स्ट्रॉन्ग, उसका ब्रेन कैसा होगा शार्प, स्ट्रॉन्ग बॉडी शार्प ब्रेन लंबी हाइट। और किसी किसी को तो आंखों पर चश्मा भी आ गया है, और किसी किसी के तो बच्चे के बाल भी सफेद हो गए हैं, को बार बार बीमार भी होते हैं, ऐसा नहीं होना है। इसलिए आपको यहां योग सीखने के